डीलर एक्स हैज टू ऑफिस ठीक है वन इन डेहली है और डेहली एंड अनदर इन हरियाणा हाउ कैन ही डिटर्मिन द्रीगेट टर्न ओवर फॉर द रजिस्ट्रेशन ध्यान दीजिए इसमें सेक्शन 22 तेईस चौबीस थे ना आपके टैक्सीबल पर्सन उस वाले क्वेश्चन भी यहां पर हो सकते हैं ठीक है जी बताएं तो उसका एग्रीगेट टर्न ओवर कैसे काउंट किया जाएगा डेहली डेहली का लेंगे हरियाणा का लेंगे या दोनों का लेंगे दोनों का लेंगे वेरी गुड नेक्स्ट मधुर ऑयल्स पंजाब इज एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लाइबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज फ्लेक्सेबल हाउ कैन ही डिटरमिन द एग्रीगेट टर्न क्या दोनों को एड किया जाएगा या सिर्फ का मशीन ऑयल ही लिया जाएगा एड किया जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छा ये पता है आप एट द एंड ऑफ द डे आप इन लोगों को जो बैठे न यहाँ पे इनको आप थैंक यू जरूर बोलना दिल से पता है क्योंकि ये आपकी आवाज है यहां पर बैठे हुए आपकी आवाज और जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट में इन्होंने हमारी और आपकी मदद की है वो ना जरा ये ना होते तो स्टाफ तो हर जगह हर टाइम मौजूद नहीं हो सकता ना भाई यहां पर आके तो शायद मैं इतना क्रिएटिविटी ना दिखा पाता आपको है ना यस वेरी गुड आगे चलिए मोहिनी इंटरप्राइजेस हैज अपॉइंटेड मैसेज बेस्ट फूड एंड एसोसिएशन एज इट्स एजेंट मैसेज बेस्ट फूड एंड एसोसिएट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी इंटरप्राइज हाउ कैन ही डिटर्मिन द एग्रीगेट टर्न ओवर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिंसिपलहा जो माल बेचा जा रहा है वो प्रिंसिपल के हैंड में क्लब होगा या एजेंट के हैंड में क्लब होगा आवाज प्रिंसिपल और एजेंट ने बाटा शूज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और वहां पर पूछा गया था कि भाई ये किसके हैंड में इसके हैंड में क्लब होगा कि इसके हैंड में क्लब होगा बताइए जवाब दीजिए एजेंट के हैंड में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लेकिन नाइनटी फाइव ने गलत जवाब दिया है और गलत जवाब देना बनता भी है आपका पता क्यों बनता है क्योंकि मैंने भी कड़ी निंदा करी थी मैंने भी कहा था कि नहीं यार होना प्रिंसिपल में चाहिए पर दे रखा है यहां पर आकर ये एजेंट में दे रखा दोनों के अपने तर्क थे यहां पर एजेंट वाला तर्क भी सही था प्रिंसिपल वाला तर्क भी सही था तो इसलिए आपसे गलती हुई है इसमें आपको कोई दोष नहीं मानता मैं ये आप सही मान के चलो अपना आंसर क्योंकि ये इलॉजिकल सा वे यहां पर दिया हुआ था पर फाइनली ये एक्सप्लेनेशन कब दी जाती है लॉ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है एक्सप्लेन तब दी जाती है जब इंडस्ट्री के अंदर डाउट होता है उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए बताते तो जो इंडस्ट्री में डाउट बना हुआ था डाउट तब और डाउट भी कब आते हैं जब कोई चीज समान रूप से दो हिस्सों में बट रही हो कि पूर्व भी और पश्चिम भी है वो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है तो वो डाउट बन जाती है ठीक यस आगे चलिए पृथ्वीराज ऑफ आसाम

द एप्लीकेबल थ्रेश लिमिट फॉर पृथ्वीराज गिवन केसेस चालीस लाख है क्या उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा यस और नो पृथ्वीराज असम एक्सक्लूसिवली एंगेज इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ शूज एग्रीगेट टर्न ओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में यह है इन व्यू ऑफ द डिस्कशन अब परस द एप्लीकेबल थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पृथ्वीराज गिवन केस इज फोर्टी लै वेद पृथ्वीराज रिक्वायर टू रजिस्टेड इसका आंसर मुझे डाउट में लग रहा है इन अब एग्जाम्पल ऑल अदर थिंग्स रिवीन सेम पृथ्वीराज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ नहीं इसमें ना क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन काटिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन गड़बड़ है अशोका ऑफ मणिपुर इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंटरस्टेड सप्लाई ऑफ पेपर इट इज एग्रीगेट टर्न ओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज ट्वेल्व लैख वेदर अशोका इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर एक्सक्लूसिवली एंगेज इंटस्ट्रेड सप्लाई ऑफ पेपर गुड्स में एक्सक्लूसिवली है बारह लाख का है और मणिपुर से है लिमिट क्या है इनकी मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा देख रहे हो दिमाग को भेज रहा है आपको चालीस लाख की तरफ लेकिन स्टेट डाल रखा है मणिपुर दैट ग्रेट ओ यस 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 होगा 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 हो गया ग्रेट 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 राघव ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई है एक्सक्लूसिवली एंगेज है स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट है इट्स टर्न ओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम असम इज ट्वेंटी एट लैक इट हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा विथ अ टर्न ओवर ऑफ इलेवन लैक इन द करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर राघव इज रिक्वायर टू गेट रजिस्टर्ड यस और नो लिमिट कौन सी लगे इसके लिए दस लाख यस 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 करवाना पड़ेगा हाँ चलो आगे हो गया उदय एंटरप्राइजेस इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सीबल गुड्स इन महाराष्ट्र इट इज ऑल्सो सप्लाई एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड नागालैंड टर्न ओवर इन द करंट फाइनेंशियल इर्टी फोर लैक इन द महाराष्ट्र एंड एट लैक फ्रॉम नागालैंड वेदर उदर एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड यस और नो मुझे बताइए एग्रीगेट टर्न ओवर क्या बनेगा थर्टी फोर प्लस एट ये हो गया फोर्टी टू ,00 लैख एप्लीकेबल लिमिट क्या है इसकी एप्लीकेबल है चालीस लाख पक्का पक्का कैसे नागालैंड तो आ रहा है टैक्सेबल नहीं है, है। वासीपुर याद आ गया होगा आपको मैंने बोला था यहां पर आकर यस 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 तो यहां पर आ गया जी आपका भाई साहब चालीस लाख यहां पर आ जाता है और ऐसे वाले केस के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा बयालीस लाख ,00 बनता ना एग्रीगेट टन में सारा जुड़ता है और रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना पड़ जाएगा लिमिट आएगी चालीस लाख ,00 कि नागालैंड से टैक्सेबल नहीं है हमें टैक्सेबल चाहिए था करेक्ट यस yes. तो जिन्होंने गलती किया है ना आपने ऐसे रेखा खींच देना ऐसे करके जितने भी गलत हों आपके फिर देखेंगे कितने किसके गलत हुए ठीक है बेईमानी मत करना सारे सबको बताना जिसके जो गलत हुए हैं भव्य ज्योति फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल एफ इनकम टैक्स एक्ट इज एक्सक्लूसिवली एगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस बाई वी ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज वेदर भव्य ज्योति फाउंडेशन इज रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड यस और नो न गाना सुना आपने मैं तेरी गर्लफ्रेंड तू मेरी बॉयफ्रेंड करेगी ना 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 मेरे साथ चलेगी ना 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 चलो तो यहां पर आ गया जी अपना ये तो एक्सक्लूसिवली एंगेज सेक्शन 23 के अंदर आएगा ऐसे चटपटे मसालेदार बन जाओ तुम एकदम शानदार वाले खट से आंसर फट से जवाब आगे चलिए देश बंधु इज एग्रीकल्चरिस्ट ओ हो 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 ठे ठर ठे एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड खेत में कर रहे हैं एंड द स्टेट ऑफ पंजाब ही वाज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ व्हीट ओके कल्टिवेटेड इन द फील्ड इन द प्रीवियस ईयर वेदर देश बंधु रिक्वायर टू न साफ सुथरा क्वेश्चन है इन द करंट ईयर ही डिसाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग ही कौन वे स्टार्ट ट्रेडिंग इन द राइस अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग हिज व्हीट ऊपर वाला जो है राइस भी उसने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है करंट वीट प्रोड्यूस्ड एंड नाइन लैक रिक्वास नो बताइए थर्टी टू और भाई साहब नाइन ये हो गया आपका फोर्टी वन एप्लीकेबल लिमिट क्या रहेगी बे कहां का था ये देश भाई बता रखा पंजाब का था पंजाब का आदमी है गुड्स में डील कर रहा है विल द लिमिट चालीस लाख टर्न कितना है इतना उस क्लॉज में फॉल नहीं करेगा कि एक्सक्लूसिवली है और आपका जो राइस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है बे टैक्सेबल है ओ यस 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 चलिए आगे क्वेश्चन है मनीकरण ट्रांसपोर्ट इज ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विसेज आ एक्सक्लूसिवली जीटीए सर्विस है लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिंस टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम एट द रेट फाइव परसेंट इन द गिवन केस तो आप जानते हो पांच परसेंट वाला केस आरसीएम में मिलता है ना बारह परसेंट में दोनों थे सॉरी एनसीएम में दोनों ऑप्शन खोलते हैं बारह परसेंट विद आई टी फाइव परसेंट विदाउट आईटीसी विदा एंड जो पांच परसेंट वाला अगर आरसीएम में देखोगे तो सिर्फ आरसीएम के लिए आरसी है आरसीएम में, में बारह परसेंट वाला था ही नहीं ठीक है जी तो बताइए क्या करवाना है कि नहीं करवाना है मनी करंट ट्रांसपोर्टर सप्लाई सेट सर्विस टू दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एग्रीकेट टर्न ओवर डॉक्ट क्सीड द एप्लीकेबल लिमिट डिटर रजिस्ट्रेशन प्रोविजन मनीकरण ट्रांसपोर्ट सप्लाई सर्विस टू दिवाकर मैन्यूज एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट इतना क्या फर्क पड़ रहा है टैक्सेबल होगा नहीं होगा मतलब इस सामने वाले को मनीकरण को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा मनीकरण को तो नहीं लेना पड़ेगा लेकिन दिवाकर को दिवाकर कंपनी है भाई साहब दिवाकर कंपनी है आरसीएम ठोकेगा इसके ऊपर आकर और इसको आरसीएम के तहत जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएंगा इस सप्लायर को ना लेना रेसिपियंट को लेना पड़ जाएगा राइट जी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर में इसको सामने वाले को लेना पड़ेगा ढोला एंड ढोला रे ढो धो, ढोला एंड कंपनी लोकेड इन डेली इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सीबल गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इट्स एग्रीगेट द करंट फाइनेंशियल ईयर टेक वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड नेबरिंग 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 स्टेट्स में दे रहे हैं ओ होस यस यस इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा बे चलो आरिजा आरिजा प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट बे इट्स सप्लाइज दो दीज गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट इन द उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा इट्स एग्रीगेट टर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल लाख एप्रिल रजिस्ट्रेशन करवाना कि नहीं करवाना इंटरस्टेट सप्लाई है हैंडीक्राफ्ट की करवाना है कि नहीं करवाना बे टैक्सेबल एंड अच्छा टैक्सेबल एंड नोटिफाइड तो करवाना है कि नहीं करवाना अच्छा, तो है करवाना है? है अरे भाई मेरी बात सुनो जब हैंडीक्राफ्ट का नाम जुड़ जाता है तो उस समय

आज के लोग शहरों में चकाचौंध की जिंदगी होती है मैंने भी घर बनाया ड्रीम हाउस बन, बनाया है तो तो बेड भी चमक रहा है डीको है? पेंट हो रखा है जहां देखो चमक ही चमक है और मैं भी अब ढूंढने लगे भी गया नहीं वहां पर रहने के लिए पर ढूंढना शुरू कर दिया कहां दीवारे कहा डल एरिया कहाँ है मैट फिनिश कहां पर है मिट्टी कहां है मैंने ढूंढना शुरू कर दिया वहां पर आकर तो जो कांच के महल बने हुए हैं वहां पर ये देसी चीजें शोभा देती है और वो लोग इनको ढूंढते हैं तो वो बनते वहां हैं और लेकिन इनका खरीदार दिल्ली में बैठा हुआ होता है याद आया आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसे करके मैंने बोला था उस समय पर यस सर, सर। तो दिदे 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 मैं तो कह रहा हूं कैजुअल टेक्सेबल पर्सन क्यों ना हो टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट ये एक वर्ड है ऐसा नहीं कि टैक्सेबल अलग नोटिफा ये अलग टैक्सेबल एंड नोटिफाइड ये हैंडीक्राफ्ट की है दोनों शब्द ठीक है तो <clears throat> आगे है सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सीबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन डेली द टर्न ओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सी ट्वेल्व लैक ऑन फर्स्ट नवंबर वेदर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इफ यस देन फ्रॉम विच डेट यस 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 करवाना है कब से करवाना है फर्स्ट दिसंबर से कितने समय के भीतर भीतर थर्टी डेज के भीतर भीतर हमारे पास ऑप्शन प्लस थर्टी डेज माइनस फाइव डेज कैजुअल टैक्स एनआरटीपी और प्लस नाइनटी डेज या थर्टी डेज इन केस ऑफ रेड वेट जब पड़ जाती है तो हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं तो वी आर फॉल इन जनरल कैटेगरी तो थर्टी डेज के अंदर आपको करवाना पड़ेगा अच्छा थर्ड डेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आरसी भी आ जाएगी पर वो इफेक्टिव कब से होगी जिसमें लिमिट पार हो गई थी तो अगर मान लीजिए यहां लिमिट पार हुई फर्स्ट नवंबर आपका यहां है और आपको आरसी मिलती है यहां से तो आपकी यहां से इफेक्टिव करा दी जाएगी लेकिन मैं कहूं कि अगर मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को टाइम से फाइल नहीं किया मैंने उसको टाइम से फाइल नहीं किया तो मैंने यहां उसके तीस दिन एक्सपायर हो जाते हैं और मैं अपने आरसी के लिए जो एप्लीकेशन है वो मैं यहां पर दे रहा हूं चालीसवें दिन तो मैंने एप्लीकेशन दी है और फिर यहां पर जाकर मुझे आरसी मिली है ये आरसी कब से इफेक्टिव होगी अगर लेट एप्लीकेशन देता हूं तो मेरी आरसी कब से इफेक्टिव होती है नहीं जब मेरी आरसी यहां पर आ जाती है वो तब से इफेक्टिव मानी जाती है तब से क्योंकि तभी तो सारे के सारे बेनिफिट डिसअलाउड हो जाते हैं हमारे यहां पे आके कि भाई आपको बचा कुचा नहीं देंगे सेक्शन 18 का इसका उसका तो सारे बेनिफिट आपके खत्म हो जाते हैं इस चक्कर में क्योंकि आपकी आरसी उस डेट से इफेक्टिव होगी जब आपको रिसीव हो जाती इफ यू फाइल्ड लेट एप्लीकेशन ठीक है चलो जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक और आगे क्या बोलता भाई साहब मीठा लाल एंड सन्स एक बात बोलू भाई साहब पंद्रह क्वेश्चन मैंने वो पूछे हैं जो उस चैप्टर से ताल्लुकात रखते हैं जो आपने एक महीने पहले पढ़ा था आपने नोटिस की चीज सेक्शन बाईस तेईस चौबीस ऑफ टैक्सीबल पर्सन बहुत लंबा समय हो गया है सारे क्वेश्चन लिंक थे दस पंद्रह क्वेश्चन एंड आपने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया मतलब दिल गदगद कर दिया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं मीठालाल लाल अ सप्लायर है महाराष्ट्र का थ्री ब्रांचेस इन मुंबई और मुझे ये भी पता है कि तुम रिवाइज भी नहीं करते मुझे ये भी पता है मुझे की बात है कि रिवाइज करके देते आंसर तो बात समझ में आती अब बिना रिवाइज करे दे रखे रिवाइज तो किस ने ना किया बिना रिवाइज करे दे रहे हो हाँ वही तो मैं मैराथन लूंगा अठारह तारीख के आसपास ना मैराथन तो आप भी बैठ जाना मैराथन होगा तो उसमें क्या होगा एक दिन में सारा सिलेबस खत्म हालांकि वो पुरानी स्कीम के हिसाब से होगा मेरा मैराथन पुराने स्कीम मतलब कुछ चैप्टर्स उसमें आपके नहीं होंगे जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर नहीं होगा टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होगा लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके 80 परसेंट चैटर आपके वन डे में कवर हो जाएंगे तो आलती पालती मारकर जरूर जरूर बैठेगा एक दिन निकालिएगा अपना तो एक दिन में सारी चीजें ब्रशअप होंगी ना तो भाई साहब मजा सा आ जाएगा तो मैं ये मैराथन ले रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है अपना नवंबर टू में करेक्ट मीठा एंड सन्स आपको कैसे पता हम रिवाइज नहीं करते अरे मुझे पता है अपने बच्चे के दांत गिन सकता हूं मैं दो दांत है तीन दांत है सब जानता हूं बेटा सब जानता हूं मीठालाल एंड मीठा अ सप्लायर इन महाराष्ट्र हैज थ्री ब्रांचेज मुंबई पुणे एंड महाबलेश्वर मुंबई एंड पुणे ब्रांचेस आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड महाबलेश्वर जो ब्रांच है एंगेज इन सप्लाई ऑफ शूज डिटरमिन द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन्स बताइए क्या करना पड़ेगा Uh, कहां पर है ये uh, महाराष्ट्र में ये ना तीनों तीनों महाराष्ट्र में हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड तीन या एक भाई महाराष्ट्र में मुंबई भी महाराष्ट्र में पुणे महाराष्ट्र में और महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है गाइड करो रजिस्ट्रेशन कितने ले तीन लेगा एक लेगा तीन ले 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 एक, दिले। तीन दिले ले, एक, दिले, एक दिले, क्या दिक्कत है हैं हाँ? फायदा किस में रहता एक में या तीन में तीन में तीन में ये होगा कि तीन चूल्हे रखे घर में घर में मान लो तीन भाई हैं तो तीनों के चूल्हे चौके अलग अलग हैं तो कलेश हाँ सबका हिसाब अलग रहेगा ये तो फैक्ट है जब घर में न्यारे न्यारे हो जाते हैं तो भाई अपनी चाहे सब्जी आलू की बना चाहे मटर की बना चाहे भिंडी की बना भाई अलग अलग हिसाब है अपने चौके झाड़ू चौका सब कुछ सबके काम बटे हुए हैं छह छह में नहीं है लेकिन ज्वाइंट तो पूलिंग हो जाती है तीनों में से अगर किसी की पत्नी की तबीयत खराब है तो दो काम वर्कलोड उठा लेंगे लेकिन अगर न्यारे न्यारे हो गए हैं तो भाई अगर किसी की तबीयत खराब है तो काम दूसरी करना पड़ेगा दूसरा अगर मान लो दो को बाहर जाना है घूमने घामने के लिए दो फैमिली को ज्वाइंट फैमिली है जा सकते हैं कोई ना कोई घर पर रह ही जाएगा लेकिन अगर अलग अलग हैं तो समस्या पैदा हो जाएगी दोनों के अपने प्लस और माइनस होते हैं ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों की इस तरह से होता है तो आपने सलाह दी है न्यूक्लियर फैमिली की अलग अलग कराओ बात खत्म और आपस में डीम डिस्टिंग भी हो जाते हैं अगर एक दूसरे से कुछ सप्लाई भी करेंगे तो डिम डिस्टिंग पर्सन बनकर फ्री ऑफ कॉस्ट होने पर भी सप्लाई बन जाती है लेकिन अगर तीनों को ज्वाइंट फैमिली की तरह रखोगे एक ही रजिस्ट्रेशन लोगे तो एक को बोल देंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी दो को बोल देंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फिर आपस में वो डिम डिस्टिंग भी नहीं बनेंगे सबका इकट्ठा रिटर्न इकट्ठे पेमेंट सारे काम इकट्ठे होंगे वैसे मैं ज्वाइंट फैमिली से हूं मैंने सबको बांध के रखा हुआ पूरी कोशिश करता हूं मैं मेरे बड़े भाई हैं वो हम साथ में हैं सिस्टर हैं तो वो भी आसपास ही हैं ठीक है और यहां तक कि मैं ससुराल को भी करीब ले आया हूं अपने में ठीक है ने? तो ऐसे करके और अभी इस फैमिली को इकट्ठा में और बढ़ाने वाला हूं मैं इसको लगभग चालीस पचास लोगों तक फैमिली बना दूंगा ऐसे करके जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़, जोड़ के क्योंकि सबके साथ रहने में मजा अलग ही आता है मैं खाना तो मैं क्या लगता घर ही खाता हूँ <laughs> पता नहीं कहां बैठ जाऊ जाके मैं कब कौन बुला ले आज हमारे यहाँ कढ़ी बनी अगर ठीक है तो मक्के की रोटी बनी चलो भाई आज हमारे साग बना है और मैं एक ऐसा व्यक्ति अब जानते हो मेरा व्यवहार कैसा है तो सब बुला लेते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पर घर में झगड़ा हो जाता है पत्नी में कभी खा के पहुंच पहुंचाते अरे हमने तो बनाया तो बताया क्यों नहीं पहले से ये भी साइड इफेक्ट आते हैं तो बड़ा मजा आता है मुझे इन चीजों में आई डोंट लाइक न्यूक्लियर फैमिली बट भी सोच होती है बट मुझे ज्वाइंट फैमिली रहना अच्छा लगता है मौज मस्ती मजा खूब आता है रस बरसता है सुबह सुबह सोफे बैठ जाते हैं हंसी झट्टा मारते हैं दूसरे की टांग खींचते हैं बड़ा मजा आता है सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन मध्यप्रदेश द टर्न ओवर ऑफ द सुगम इंड सर्विस लिमिटेड एक्सीड ट्वेंटी लैक ऑन फर्स्ट नवेबर ये तो क्वेश्चन हो गया रिपीट क्वेश्चन है आइए कृष्णादेव एंड कंपनी एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन रजिस्टर्ड इन राजस्थान इट विशिष टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस एग्जीबिशन इन बी हैड इन दैली हाउ एवर इट डेव अ फिक्सड प्लेस ऑफ बिजनेस इन डेहली वेदर कृष्णदेव एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्स इन डेलीस नो कैजुअल टैक्सीबल पर्सन जोरदार तालियां कैजुअल टैक्सीबल पर्सन तो यस 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 सर राजदेश बना बना दो दो यस यस राजदेश लड़की अकेले में रहना बिना घर वालों के लड़की कहती है अकेले में रहना बिना घर वालों के तो ऐसे लड़की को साथ रहने रहते तू तो रहे अपने घर वालों को मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा मत चूज करना इसी को इफ यू सेल्फ विश टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली ठीक है <laughs> करे तू तो भैया लग रहा है <laughs> और देख कहां कहां पहुंच रहे हैं बच्चे दो ही अच्छे लट रही है इतना के जा रहा है ये जा रुक जा देख टांग तोड़ू अभी hmm. चलो जी तो ऐसे करके चैप्टर हुआ खत्म और फटाफट क्वेश्चन आंसर की बुक निकालिएगा तेजी के साथ में आपके टेस्ट कहां तक अवेलेबल आ गए उसके बाद नहीं है क्या बात कर रहे हो चेक करना जरा मुझे बताना भाई रिफ्रेश करके तो भैया जी ब्लॉग्ड क्रेड से आगे बढ़ो रे चलो रे चलो भाई चलो रे चलो अच्छा पहले था रजिस्ट्रेशन तो आईटीसी से पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहां पर क्वेश्चन आंसर वाली बैंक में ना कोई बात नहीं अरे मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे गुमराह कर रहा है पर ये जानता नहीं मुझे कि मैं क्या कर सकता हूं मैं सर्च भी कर सकता हूं इसमें देखा मेरा कमाल ले ऐसी कि तैसे हाँ मैंने देखा ढूंढ निकाला देखा मेरा कमाल यस देखा तो अबे ये कहां रह गया अबे हट जा बे अब बहुत हो गया हट ही ना रहा है तो रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करके बैठा हुआ है अबे निकम में छोड़ दे से चलो छोड़ दिया तो मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो लप्पू नहीं है मैंने निशान लगा लेता हूं पता है मुझे कौन कौन से कराने होते हैं ताकि क्लास में फालतू का समय ना लगे क्लास और बची हैं आप जेटे कब तक यार ये की सवाल बार बार के पूछते हो तुम लोग कब तक फिनिश होगा तुम उससे मैं तुम्हें बोर करता हूं पकाता हूं परेशान करता हूं क्या तुम्हें लग रहा सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या करा करेंगे शाम को अब हम कैसे कैसे शाम में कटेंगे तुम्हें लग रहा है ऐसे करके यार कमाल की बात करते हो तुम और मैंने कह दिया सबसे पहले मेरा ही खत्म होगा किसी को मुझसे पहले खत्म हो जाए तो बता देना इतने मजे कहीं आए हो तो बता देना इतनी तसल्ली से कहीं पढ़ा हो तो बता देना किसी चैप्टर में जल्दबाजी किसी कॉन्सेप्ट तक में जल्दबाजी करी हो तो बता देना आप लोग कमाल करते हैं आप बस हम फालतू की बात नहीं करते इतना है काम पूरा करेंगे सा सचिन है चलो आगे बढ़ते अरे निकला कौन सा क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया हाँ यहां आइए ये, ये तो आपके क्वेश्चन से सेक्शन बाईस तेईस चौबीस पर बेस्ड शुरुआती क्वेश्चन जो कि बाईस तेईस चौबीस पर बेस्ड हो तो आपके पहले हो ही चुके हैं ना बहुत सारे उस पर बेस्ड हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो उनको तो मैं नहीं करा रहा जो 22, 23, 24 पर बेस्ड है उनको मैं नहीं करा रहा हूं तो आप यहां पर आए जरा पांचवें टॉपिक पे आ जाए यहां पर आगे एक बार फिर से बैच स्टार्ट करो ना फिर से शाम मनाएंगे अरे अब फाइनल में करेंगे ना फटाफट पास के आ जाए ना और निकम में फेल मत हो जाना बता रहा हूं बहुत जूते मारूंगे खींच खिंचके में मेहनत करना टकाटक लाइव में खूब पैसे बनाना खूब और ही उड़ाना महंगी गाड़ी महंगा घर महंगे शौक और खूब मेहनत करना था जीने का मजा जिंदगी काटना मत लाख दो लाख रुपए महीने कमा ली क्या कर लोगे चार लाख रुपए महीने कमा ली क्या कर लोगे चार लाख में ठीक ठाक खर्चा चलता है बस घर का ठीक से है लाइफ स्टाइल ठीक चलती है लेकिन इससे सुपर भी तो जाना है ना मन कर रहा अमरीका घूम के आते हैं तो सोचना ना पड़े कहीं बाहर जा रहे तो फाइव स्टार्ट के दिमाग में कुछ आए ही ना रहने के स्टे करने के लिए सोचना ना पड़े कि बीस हजार रुपये का पच्चीस हजार रुपए का होटल है पर चुभे ना पिन की तरह है। ऐसे बनाना अपने आप को अंडमान निकोबार जाओ तो वहां राधा राधा रा, राधा बीच राधानगर बीच है वहां पे पैंतीस चालीस हजार रुपये का मिलता है ताज होटल में वहां कमरा वो लेना चुभे ना आपको ऐसे मौज करना था जीवन एक बार मिला है जितना रस निचोड़ सकते हो निचोड़ लो और वो तब निचोड़ेगा जब मेहनत करोगे खूब बड़े बड़े ख्वाब देखो खूब लग्जरी ख्वाब देखो लाइफ के वर्ल्ड टूर खुद ना करो लेकिन माता पिता को जरूर करवाना कि जाओ तुम्हारे टिकट कर दिए हमने कई देशों में कभी वहां स्विट्जरलैंड भेज दिया कभी वहां भेज दि पीछे तुमने मजे करे उनको कर पीछे तुमने खूब धमा चौकड़ी खेली ठीक है ऐसे करके है तो उनको खूब मौज करवाना उन्हें लगे ना उन्हें लगे ना कि हमारा बेटा या बेटी भाई साहब कुछ कर दिखाया है तो, तो जीवन का मजा है रोते गाते हुए ईएमआई में जिंदगी कट गई कि फ्लैट ले लिया एक एक कार ले ली ईएमआई में जिंदगी जा रही है कुछ खरीद रहे हैं तो सोचना पड़ रहा है नहीं सोचना ही ना पड़े बच्चे ने खिलौना मांगा दस हजार रुपए का सोचना ही ना पड़े हाँ चल ठीक है लो ऐसा बनाना अपने आप को मैं वह वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा पैसा पर मैं कह रहा हूं कि आपको इस लायक बनना है कि दस बीस हजार लाख रुपए पे आपको सोचना ना पड़े अरे अरे ऐसे करके आप तो भाजपा लाक निकले हाँ मैं क्या कह रहा हूं देखो जग कैसा मेरे जैसा आती <laughs> मैंने आपको पहले ही कहा मैं किताबी बातें कभी नहीं करता आपसे मैं अपने हृदय की बातें करता हूं आपसे और जैसा मैं हूं वैसे ही आपको बनाने की कोशिश करूंगा सीधी सी बात तबीयत करते संगत के रंगत आती आती है तो जो व्यक्ति जैसा होगा आपके ऊपर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश करेगा तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भाई माता पिता को भेजना वर्ल्ड टूर पे लगेगा वो भी खुश आप भी खुश चलिए रे आगे बढ़ते रहे मंथ के दस करोड़ कमाएंगे क्या ऐसे टारगेट वार्गेट सेट मत करो दस करोड़ वो दस करोड़ कमाएंगे एक करोड़, करोड़ कमेंगे सौ करोड़ कमाएंगे वो अलग चीज है कमाना भी छोड़ो मेहनत खूब करनी भाई साहब कमेगा तो अपने आप मुझे ना पता मैं कितना कमाता हूं मुझे नहीं पता मैं मेहनत करता हूं कि मेरा बच्चा सेटिस्फाई है कि नहीं बस पैसे तो अपने आप आएंगे यार अपने आप आएंगे तुम एक बात बताओ जब यहां से मेरे इतने सारे बच्चे पढ़ के निकलेंगे इस बैच में करी करीब नंबर हमारा पहुंच लिया करीब चार हजार नियर अबाउट पहुंच लिया नंबर हमारा थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है ये चार हजार सेटिस्फाइड बच्चे जब बाजार में जाएंगे तो वो ना तो पार्टी पॉप अपनी नहीं होता उसकी तरह नहीं खिल जाएगा पूरा बताइए आगे वाला जो फाउंडेशन वाले बच्चे आप तो पूछेंगे पर कहा और तुम गए कुछ पूछ रहे नहीं सीधा वहीं जा तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे यार उसे गिनने की जरूरत नहीं है मुझे वेरी सिंपल इससे क्या होता है खुद खुश रहो दूसरों को खुश रखो और मेरा तो एक अटूट मानना है मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है जय जय श्री राधे करने वाला वो है यार हम तो बस बिना बात क्या खड़े हो जाते हैं यहां पर बकवास करने के लिए बोलता तो कोई और ही अंदर से चलो रे आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर ये छोटू मोटू से क्वेश्चन आ रहे हैं लप्पू से एक एक लाइन वाले हैं तो मैं करा रहा हूं आपको फिफ्थ का सेवनटींथ क्वेश्चन फिफ्थ का सेवनटींथ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं <coughs> यस आर लिख देना आर मैंने कराया डिटरमिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस आईसीएआई मटेरियल कहता है द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फूटवीयर इंडस्ट्रीज ऑफ डेहली हैज एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर ट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ इतने को तो आपको बताना है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पर क्या होगी बिना देखे बताना एक सितंबर लिखने की जरूरत नहीं है ना लिख दोगे ना आराम से चलो वेरी गुड मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ इट्स एग्रीगेट टर्न एक्सीड करता है बीस लाख ऑन पच्चीस अक्टूबर को ठीक है सबमिट द एप्लीकेशन ट्वेंटी सेवन ऑफ नवंबर टाइम से है क्या नहीं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है पांच दिसंबर को कब से इफेक्टिव होगा ऐसे में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूट जाता है आगे चला जाता है इसलिए आपको पीछे का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि आगे चला जाता है इसलिए आगे का बेनिफिट आपको आगे चला जाता है, इसलिए पीछे का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है मेरी तो यार यही तमन्ना है गुजारिश मैं तुमसे तो बहुत प्यार करता हूं विश्वास मानो आप मेरी बात को और मैं यही चाहता हूं कि तुम तो इतने बनना, इतने कामयाब कामयाब बनना बनना लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा होकर खूब सारी मेहनत करना आपकी मेहनत में कमी ना रह जाए जब भगवान के सामने नजरें मिलाओ ना जाके तो सवाल कर सको अगर कुछ नहीं हुआ पाए ना कोई दिक्कत होगी आपके साथ क्या तुमने मैंने कौन सी कमी छोड़ दी थी अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना बिल्कुल भी फिर जो होगा सो अच्छा ही होगा द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ संगरी सर्विसेज लिमिटेड और हाँ एक चीज बताऊं ऐसी बातों को नोट करना मार्क करना मेरी बातों को यू मस्ट बी फाइनेंशियली फ्री अप टू द एज ऑफ 40 टू 45 फाइव चालीस से पैंतालीस साल की उम्र में आपको फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए मतलब ये कि अगर आप अब काम करना बंद कर दो मुआवजना शुरू कर दो घूमना शुरू कर दो तो आपका जीवन आराम से चलता रहे आपके ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बन जाने चाहिए कि मस्ट बी फाइनेंशियली फ्री और उस स्टेट पर उस स्टेज पर आने के बाद जब आप काम भी कर रहे होगे तो उसको करने का आनंद अलग होता है काम एक किया था कि पैसे जरूर चाहिए चाहिए एक होता है कि यार नहीं भी आएगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है उस स्टेज तक आपको बहुत जल्द से जल्द आना है जिस उम्र में लोग थोड़ा होश संभालते हैं ना 40-45 की उम्र में कुछ ठीक ठाक कमाना शुरू करते हैं उस समय तक आपको फाइनेंशियली फ्री होना है मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अब आगे की लाइफ शानदार कटने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से ये टारगेट अपने माइंड के अंदर रख के चलना, ठीक है चलो जी आगे बात करते हैं एग्रीगेट टर्न ऑफ संग्री मैं क्यों, मैं क्यों करा रहा हूं ये तुम करोगे मैं क्यों कराऊंगा इसे मैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे पास तो इक्कीसवां क्वेश्चन ट्रेडर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स इन हॉस्खास टैली हिज एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सीड ट्वेंटी लैख इन मंथ ऑफ अक्टूबर ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल बस मिस्ड टू सबमिट द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट उसने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दी हिज कंसल्टेंट एडवाइज हिम दैट प्रायर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल इज मैंडेटरी टू ऑपटेल रजिस्ट्रेशन क्या वो उसका कंसल्टेंट ठीक बोल रहा है दो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू सबमिट बैंक डिटेल्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप बिना इसके भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पा सकते हैं पर हां मिल जाने के 45 डेज के भीतर भीतर आप इनको मिल जाने के फोर्टी फाइव ना 45 मिल जाने के 45 डेज के भीतर भीतर आप ये उनको डिटेल सबमिट कर दीजिएगा इक्कीसवां हो गया यस सर बाईसवां भी मैं ही करा रहा हूं मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा इन टेंट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन हरियाणा अच्छा क्या सप्लाई कर रहे हैं बिल्डिंग मटीरियल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन हरियाणा ही हैज टेकन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वॉलंटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल आरटीपी दो हजार मई दो हजार बाईस क्वेश्चन अच्छा हाउ एवर ही हैज नॉट कमेंस द बिजनेस टिल दिसंबर तो वॉलेंटियर मम्मी मैं भी मम्मी 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 मैं भी करवाऊंगा अप्रैल <laughs> से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर छह महीने हो गए और ऐसे के ऐसे ही है ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल द प्रॉपर ऑफिसर वर्किंग कैपिटल नहीं थी इनके पास में द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ़ मिस्टर एक्स एक्स उन्होंने कर दिया है से। उसने हो गया चल हो से गया मिस्टर अच्छा ठीक है। टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय द माइके वाले इज वेल्ड इन लॉ क्या उनका एक्शन सही है या नहीं है मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर रिवोकेशन फिर पहुंच गया मिनिस्टर अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फोर्टी डेज चालीस दिन बाद पहुंच रहा है कि दोबारा प्लीज प्लीज एक मौका और दो मुझे <laughs> पहुंच गया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कंटेंट दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड इन थर्टी डेज चालीस दिन में दिन आया भाग यहां से क्वेश्चन दो हो गए एक हो गया कैंसिलेशन का एक हो गया रिवोकेशन का जो कैंसिलेशन यहां पर हुआ है क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं है यस yes यस तो हमने यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे कि सेक्शन ट्वेंटी नाइन के अंदर ऑफिसर हैज राइट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस दस तरह के केस थे लगभग वहां पे कई सारे केस थे कि रजिस्ट्रेशन फ्रॉड लिया गया है रिटर्न सबमिट नहीं करिए लगातार छह अच्छा महीने की एंड वन ऑफ द कॉज इज क्यू टेक वॉरंटी रजिस्ट्रेशन एंड अनेबल टू स्टार्ट द बिजनेस इवन आफ्टर सिक्स मंथस सो हेयर ऑफिसर इज जस्टिफाइबल इन कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन पहली बात दूसरी बात ये What about the revocation? The person, revocation ke provisions, hai, so as per section number 30 of CGST Act, revocation application can be filed within 30 days. However, uh, in deserving cases, uh, the period of 30 days can be extended further by 30 days and 30 days. So, total maximum uh, period of uh, revocation uh, application for filing of revocation of application is uh, 90 days.

अगर मैं आज अप्लाई करूं कि में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल मैं आपको बताऊं रियल एग्जांपल अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं आपको तुरंत धमकी मार के जाएगा ए कैंसिल कर, दें, कर देंगे कैंसिल सस्पेंड कर देंगे सस्पेंड करेंगे और कैंसलेशन भी कर डालेंगे फट से लेकिन जब आप जाओगे करवाने के लिए तो ना करेंगे आप समझ रहे मेरी बात मेरे भाई ने काम किया राजस्थान में कुछ काम था कॉन्ट्रैक्ट था एक चार साल का कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ऑब्वियस सी बात है वहां चार साल कॉन्ट्रैक्ट चला तो वहां राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा काम खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरेंडर करना पड़ेगा कर दो तो भाई क्यों मेरा बात की मराना नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी आपको जब सरेंडर करने के लिए जाते करें, नहीं ये वो क्यों कर रहे हो कैसे कर रहे हो क्या करना है ये फलाना ढिमका मतलब कई कई महीने लग जाते हैं उसे कैंसिल करवाने में जब तक कैंसिल नहीं होगा हम रिटर्न फाइल करते रहनी पड़ेंगे करते रहनी पड़ेंगे करते रहनी पड़ेंगे तो जब करवाने जा रहे हैं तो कर नहीं रहे और जब नहीं करवाना चाह रहे हैं तो धमकी देके जा रहे हैं तो जो व्यक्ति डरता है क्योंकि भाई मैं डरूंगा भाई मेरा मत करो कैंसिल मत करो भाई धंधा नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा डरा रहे कैंसिल कर देंगे लेकिन जब मैं डर हो गया भाई मेरा कैंसिल करो मारो मुझे मारो फिर कोई नहीं मारता ऐसे करके है वो भी कौन सा चाहते हैं कैंसिल हो कैंस, सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे तो कहां से आएगा सैलरी अब कहां से कमाओगे सरकार कैसे लगेगी भाई ये वो तो डराने का टूल है कैंसिल कर देंगे खाली कर देंगे खाली कर देंगे खाली कर देंगे ये किसका डायलॉग है खाली कर देंगे बताते हैं कौन देखते कौन मूवी देखता अच्छे से खाली कर देंगे खाली कर देंगे खाली कर देंगे सर उसका पिक्चर है खाली कर दें खाली कर दें मैं बताता हूं ये थ्री इडियट्स जब दोस्त को ढूंढने पहुंच जाते हैं बाबा की अस्थियों को लेकर बाथरूम में पहुंच जाते हैं कहते हैं, या तो बता दे हमारा दोस्त वरना खाली कर देंगे बाबा गए गटर में ठीक है खाली कर देंगे तो डराते धमकाते बिना बात के खैर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हो गया <laughs> आगे चलते हैं साहब ट्वेंटी थर्ड यहां पर आइए इस पर लिखेंगे R इसमें क्या बोलता है थ्री इडियट्स मेरे बच्चा मेरे कबूतर देख ले छल्ले उड़ रहे हैं भाई साहब क्या कहना अक्षय कुमार थ्री इडियट में इसे मारो खूत हो कोई <laughs> थ्री इडियट में अक्षय कुमार कहां से आ गया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी ऑफ रजिस्ट्रेशन वट इज पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द पीरियड सस्पेंशन का पीरियड क्या होगा मतलब कहां से कहां तक सस्पेंड रहेगा अगर बंदी ने खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन किया जाता है सस्पेंशन कहां से कहां तक रहेगा बताइए अच्छा कहां से होगा सस्पेंड एप्लीकेशन फाइलिंग की डेट और डिजायर डेट विच एवर इज लेटर वहां से शुरू होगा सस्पेंशन कहां तक चलेगा टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स या कैंसिलेशन जो भी अपना वहां तक जब कंक्लूजन तक पहुंचेगा तब तक वो चलता रहेगा गुड तो कह रहा है कि द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन सॉर्ट मतलब जिस दिन वो डिजायर्ड डेटर उसकी ठीक है कि भाई हमें मांगना है विच एवरेज लेटर और पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जब तक की प्रोसीडिंग्स चलेंगी तब तक सस्पेंशन चलता रहेगा ठीक है जी एंड उसके बाद और क्या था एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा तो भाई उसमें यही रहेगा सस्पेंशन जब हो जाएगा तो कोई लेन देन नहीं होगा मतलब ये कि लाइक like, आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हालांकि आप बिजनेस कर सकते बट यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड इफ एनी काइंड ऑफ रिफंड जो कि आपका डिपार्टमेंट साइड से बनता था वो रिफंड भी आपको नहीं दिया जाएगा करेक्ट ओके ठीक है जी एंड उसके बाद में खत्म जी बस बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और इसमें एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको आ, ये रहा यह आपका राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है जनवरी 2021 में पांच नंबर का पूछता कितने नंबर का आएगा पांच नंबर का आया हुआ है और क्वेश्चन देखना कैसा अच्छा खासा कि लप पूा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन पत्नी कब तलाक मांग सकती है ऑन इस रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट लिख दोगे आंसर बहुत सारे हैं कम से कम दसियों आपके हैं सर खेल खेल में क्वेश्चन भी खत्म यस मैं कह रहा हूं कंसेप्चुअली क्लियर हो तो एक भी क्वेश्चन आज तक ऐसा आया जहां पर आपको बहुत तकलीफ दे दी हो आपको आज तक नहीं आया सारे का कंटेंट भरा पड़ा और ना एग्जाम में आएगा